केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में जो किसानों के लिए बिल पारित किए हैं वे किसानों के हित में हैं। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा बिल किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार पारित किया है जिससे किसानों को लाभ होगा। राकेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तभी विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री, उन्होंने जो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि किसानों के लिए जो आज़ादी के बाद सभी व्यापारियों को और बाकी सभी क्षेत्रों को जो आज़ादी मिली थी वो पहली बार ये विधेयक लाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को सारे देश में अपनी फसल को बेच सकता है ऐसा बिल लाकर हमारे किसानों को और मजबूत किया है। हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा की ओर से हमने देश के कृषि मंत्री का भी धन्यवाद किया कि जिन्होंने किसानों के लिए इतना ऐतिहासिक फैसला किया। लंबे समय से विपक्ष के कुछ लोग अभी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा जो MSP की बात हुई है आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने MSP को बढ़ाया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, विरोधी पार्टियां इसको मात्र राजनीतिक स्टंट बनाने के लिए विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।